तो वाकई में आज सीरियसली शी इज़ नॉट वेल, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपने हाथ से उनको ब्रेकफास्ट बना के दूँ। जब मैंने प्लान किया तो सुबह उठी नहीं, और जब उठी हैं तो तकरीबन काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि रात में भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज जल्दी से उनको कुछ चटपटी सी चीज़ खिलाऊँ, क्योंकि सारा हफ्ता वो फीकी चीज़ें, पता नहीं थाए सूप और पता नहीं थाए करी और अजीब वगरीब सी चीज़ें खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज आपको साथ लेके जल्दी से मैं एक सिंपल सी एक कढ़ाई बना के दिखाऊँ। अच्छा, इस कढ़ाई की कुछ हिस्ट्री ऐसे है कि ये कढ़ाई मैंने एक दफ़ा कहीं नॉर्दर्न एरिया में जाते हुए एक छोटे से ढाबे पे खोखे पे खाई थी। जब मैंने देखा अंदर कोई चीज़ मसाला, कोई प्याज श्याज चीज़ें नहीं है, तब मुझे पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि सर इस कढ़ाई के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाली जाती। बट यकीन मानिए भूख भी थी, लेकिन क्या जायकेदार कढ़ाई थी। तो आज मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ कि मैं शायद नादिया को कुछ हद तक ये कढ़ाई खिला सकूँ, क्योंकि वो खाती नहीं है, लेकिन आई होप कि उनको पसंद आएगी। आइए चल के देखते हैं कि कढ़ाई कैसे बनती है। एक किलो चिकन, थोड़ा सा नमक, एक किलो टमाटर, सब्ज़ मिर्चें जो तेज वाली हों, आराम आराम से ये चिकन इसके अंदर फ्राई हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक भी दें ताकि इसी की स्टीम के अंदर चिकन और जल्दी नरम हो जाए। जब ये हल्का हल्का सा माइल्ड पिंक होना शुरू हो जाए तो आप चूल्हे की आंच को कर दें तेज, और तकरीबन इसमें एक किलो टमाटर आप डाल दें। बड़ा वाला टमाटर इसको मैं थोड़ा सेंटर में डालूंगा। ढांप के रखें, जब आप ढांप के रखेंगे तो इसकी भाप बनेगी। जब भाप बनने से एक तो गोश्त जल्दी गल जाएगा और दूसरा टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, तब आप उसका छिलका आराम से रिमूव कर सकेंगे। इन बिटवीन अभी तक क्या हो रहा है, आइए थोड़ा सा सूरत हाल देखते हैं। कुछ ऐसी चीज आपको नजर आ रही होगी। टमाटर के छिलके हमने निकाल लिए हैं बीच में, इसके लिए मैं और भी ज़रा फ्राई होने दूंगा, जिसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल को रिमूव कर लूँगा। अब मैं टमाटरों को तोड़ूंगा। अब टमाटोज का सॉस बन चुका हुआ है, फ्लेम को थोड़ी देर के लिए मैं हाई करूँगा ताकि मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, ऐसे करूँगा ताकि थोड़ा सा ये लेवल हो जाए। अब मैं इसको ढांप दूंगा। टमाटोज फ्राई हुए हैं, चिकन फ्राई हुआ है, एक्सेस ऑयल को मैंने निकाल लिया। जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, एक्चुअल देसी कढ़ाई, उसमें बनाने का मजा है। कटी हुई सब्ज मिर्च, ये तैयार है गर्मा गर्म नादिया के लिए एक जबरसी चिकन कढ़ाई। आई होप कि वो ये खा के एंजॉय करें और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जी, मेरी तो कढ़ाई हो गई है तैयार, और इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कढ़ाई सिर्फ पेट भरने के काम नहीं आती, बल्कि कुछ माइग्रेन के मरीजों को ठीक करने के काम भी आती है। तो आएं आज चल के देखते हैं कि एक माइग्रेन का मरीज इस वक्त क्या कर रहा है। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? हेलो, कौन जी? कौन कौन हो सकता है? मेरी आवाज़ ये तो मैं ही हो सकता हूँ। कैसे हैं आप? कैसी हैं ये बताएं मुझे। मेरा बस मैंने वो माइग्रेन नॉट बांध लिया, तो ठीक हो जाऊंगी, बेहतर हो जाऊंगी। ये माइग्रेन नॉट कहाँ बांधते हैं, नाक पे बांधते हैं? नहीं नहीं, माइग्रेन नॉट की एक टेक्निक होती है, डिपेंडिंग के सर दर्द हो कहाँ रहा है, ठीक है, तो उधर उस उधर नॉट्स डालनी होती है जहाँ से वो निकल रहा है। एक उसका एक होता है ना, अच्छा, सेंटर होता है। तो माइग्रेन में क्या मतलब, इंसान आंखें बंद करके भी देख सकता है? हाँ, मैंने टीवी लगाया हुआ था,
टीवी नहीं सुन तो सकती हूँ ना, देख नहीं सकती, टीवी तो बोरियत होती है, इसलिए मैंने टीवी लगाया कि आवाज ही सुन लूँ। मैं आवाज सुन के भी टीवी एंजॉय करती हूँ। सीरियसली नादिया, यस यस यस, आई थिंक यू नीड अ ट्रीटमेंट। यस प्लीज प्लीज गेट अप, आ जाएं जरा आपका। अच्छा पहले माइग्रेन नॉट बताऊं? नहीं नहीं वो बाद में बताइएगा। हाँ। पहले लोगों को इस वक्त माइग्रेन होना शुरू हो गया, ये टीवी करें बंद, उठें, आए आए आपके लिए कुछ। बॉडी जबरदस्त किस चल रही है, बहुत इतनी कहते ना एक्साइटमेंट है, इतना थ्रिल है। इसको तो खुद उतार देना, इसको तो सस्पेंस है, इस सस्पेंस को तो खत्म करें। इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, उतारती नहीं। हेलो सर, अली बाबा 40 चोर के 41वें चोर। आंखें बंद थी ना तो नजर भी नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? आप? मैं इधर हूँ भाई। हेलो सर, लुक राइट। हाँ आप आ जाएं, आ जाएं। सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल, डू नॉट स्किप द वीडियो। हाँ जी, और मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी कि माइग्रेन नॉट कैसे बांधते हैं। सर का दर्द एकदम फचक भाग जाता है। कहाँ जाना है मैंने? इधर आ जाए। आज तो मुझे 3-4 माइग्रेन। आज आपको खाने में सिर्फ यही मिलेगा। खाना, खाना, जी जी खाना बन चुका है। बनाना था, मैंने मेरे दादा को भी नहीं बताया क्या होगा। अच्छा मैं आपको माइग्रेन नॉट समझाऊंगी, माइग्रेन नॉट आपको सिखाती हूँ। माइग्रेन नॉट सीखने के लिए जरूरी है कि आपको माइग्रेन का शदीद अटैक हुआ हो, सर में दर्द हो किसी एक खास पॉइंट पे, दर्द लेफ्ट पे हो सकता है या राइट कनपट्टी पे हो सकता है, पीछे लेफ्ट पे या राइट पे। इसके लिए अब आपको एक दुपट्टा स्कार्फ चाहिए जो कि सॉफ्ट मटेरियल का हो। दो नॉट्स लगेंगी, पहली नॉट अगर पेन लेफ्ट साइड पे है तो दुपट्टा जोर से बंद करके पीछे सर के आपने एक नॉट बांधनी है ऐसे, फिर आप डांस कर लें। अब आगे जहां दर्द उठ रहा है उस पॉइंट पे सेकंड नॉट आपने जोर से कस के बांधनी एग्जैक्ट ऑन दैट पॉइंट। ये अब आप जितना बर्दाश्त कर सके 10 से 20 मिनट तक वेट करें। अगर पेन राइट साइड पे है तो वैसे ही पहले पीछे नॉट, उसके बाद राइट साइड पे आगे कस के जोर से उस पॉइंट पे जहां दर्द है वहां नॉट बांधे। अब रेस्ट करें आराम से, 10 से 15 मिनट बाद नॉट खोल लें। अगर पेन यहां है तब भी वही प्रोसीजर रिपीट होगा। अब जब आप नॉट खोलेंगे आपको बहुत बेहतर लगेगा, सर ठंडा ठंडा लगेगा, एंड यू विल बी फाइन। धनिया के बगैर, अदरक के बगैर, ब्यूटीफुल। ये आपने बनाई? आप पहले खाए फिर मुझे जरा बताएं कि ऐसी कढ़ाई अपनी जिंदगी में कहाँ खाई होगी? हवाओं में खाई होगी सर। ये शनवारी कढ़ाई है या पिशावरी कढ़ाई? ये कोई कढ़ाई नहीं है, ये माइग्रेन कढ़ाई है। इसको कहते हैं माइग्रेन कढ़ाई। फिर मैं ये अपना जो है माइग्रेन नॉट खोल रही हूँ क्योंकि मजे का खाना है। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि मेरा कितना शदीद हेडेक है अभी, वैसे इस खाने के बाद बेहतर हो जाए। ओ वाओ। अच्छा मैं लोग बिरयानी पे बड़े पागल होते हैं, मुझे लगता है कढ़ाई कमाल चीज, ऐसी मैं भी नहीं बना सकती। प्याज डाला? नो प्याज, नो धनिया, नो एक मसाला भी ना सब पता है। आप जरूर ट्राई करें, बहुत मजे की लगे। जब भी तबीयत खराब हो तो प्यार से कोई आपके लिए खाना बना दे, आपके कोई काम कर दे, आपका ख्याल करे, तो वैसे आप ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर का बिल नहीं आएगा, बचत ही बचत। मसाला कैसा? मसाला मसाला कैसा? Is your dad smarter? No, I'm smarter than my father. He knows that. He knows that. In what? Everything. 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 Academics, life,
I can like health, physique, mindset, money, not really, but job, different hobbies, talented in a lot of stuff. Even Zach uncle said I'm more smarter than my dad. Hayan Honey! Hello. Honey, beta, you are such a big mystery on Outstyle. लोगों को लोग कहते हैं कि हमने इसका नाम सुना है, फोटो देखी है, लेकिन ये लड़का असल में है या नहीं है, ये कौन है? तो जरा बेटा सब Outstyle में हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको जरा हेलो हाई करो और अपना अपने बारे में बताओ. Hello, मेरा नाम हानी है. I am studying at Purdue University in US. मेरा major, I'm in the engineering field. मेरा major specifically computer engineering है. I've been here for almost a year now. And there's nothing, इतना कोई मेरे बारे में interesting नहीं है. ज़्यादातर तो मैं busy होता हूँ. Either मैं work पे होता हूँ या फिर मैं study कर लेता हूँ. और अपने हॉबीज परस्यू कर रहा होता हूँ. हानी के बारे में ये मैं बात बताना चाहूँगा कि हानी ने शुरू से अच्छा डेडिकेटेड बच्चा था और बहुत ही शरीफ तंग भी करता था. और बीच में कभी कभी जब इसका टाइम आया ना, जब ये सेवन्थ एट्थ में इसे तंग करना शुरू किया और स्टडीज में इसकी डिप आई, लेकिन हैट्स ऑफ कि बच्चा जिसको स्कूल के अंदर एक दफ़ा ग्रेड एट में आई विल नॉट हाइड के जो इनके एकेडमिक एडवाइजर थे उन्होंने बुला के इसको ठीक ठाक डांटा था कि तुम कैसे हो, तुम यू आर बिकमिंग वेरी बैड स्टूडेंट. लेकिन 9, 10, 11 एंड 12 के अंदर ही वाज द वन कि वही लोग इसको खड़ा करके कहते थे शुरुआत में कि अगर कोई बच्चा देखना है ना, कोई आइडियल स्टूडेंट देखना है तो ही इज द वन. तो माशाल्लाह ही गॉट नॉट मेनी ग्रेड्स और 94%+ के साथ यहाँ से ग्रेजुएट हुआ. फिर मैंने कहा हानी जहाँ तुमने चूज करना है अपने आप को, जहाँ पढ़ना है तुमने, चॉइस तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा. दैट इज वाई इसने सब एडमिशन खुद किया, चूज खुद किया यूनिवर्सिटीज के बारे में और नाउ इज डूइंग गुड. देखिए हाँ, बाकी ये बात सही है कि बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ताबेदार, तमीज़दार और नो ट्रबल देने वाला बच्चा. लेकिन फिर भी थोड़ी जब शरारतें वगैरह बाबा के साथ करते हो, जरा थोड़ा सा बताओ कि किस चीज़ पे कोई फरमाइशें या बाबा नाराज होते हैं किस चीज़ पे? बचपन से जो मेरा नंबर वन मिस्टेक है कि I'm never on time. मैं अगर मुझे something I needed in 2 weeks, मैं बाबा को उन 2 हफ्तों के लास्ट डे में बताऊंगा कि बाबा मुझे आप मदद कर सकते हैं. Which is sometimes annoying. और हमारा बच्चा जो है माशाल्लाह 19 years and you will be what 20 this year? है ना? 14th April को 20 साल का बच्चा हो जाएगा. माशाल्लाह हनी, मैं तुम्हारे भी रिश्ते देखूं बेटा. है? Thank you. ये क्या बात? मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि हमारे घर में इंशाल्लाह शादी होगी तो हम लोग, तुम सोचो कितने कितना डांस करेंगे हम, कितना एंजॉय करेंगे. तो हानी किस एज में बेटा मैं लड़कियां देखना तुम्हारे लिए शुरू करूं? 45. I would not want to. लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता हूं until I know I am financially successful and free. So the moment I'm financially free, that would be the right time. Musical instruments कौन से play करते हो? Piano और फिर guitar मैं बचपन से मैंने खुद ही सीखा था. And then other than that, listen to music and sketching as well. बेटा ये पियानो पे तुम लट्ठे दी चादर बजा सकते हो? है लट्ठे दी चादर उत्तर सिलेटी रंग मैया है बेटा, प्लीज प्रैक्टिस. बताओ कौन से गाने? नहीं नहीं, अच्छा वो कर लो या वो कर लो, नदी ना लेना जाऊं शाम पैया पढ़ो, वो भी अच्छा है. थर्ड तुम प्रैक्टिस करोगे ओ सुजाना डोंट यू क्राई फॉर मी आई केम फ्रॉम अलबामा विद अ बैंजो ऑन माय नी. हां ये 3 राग तुम बेटा पक्के कर लो जबरदस्त, फिर बस म्यूजिशियन बन गए. अब मैंने तीनों को डॉक्टर बनाना है, वो डॉक्टर सेट लाई हूँ मैं उसके लिए बेटा. इतना प्यारा खेल रहा है डॉक्टर सेट से, मुझे रोज इंजेक्शन लगाता है यहाँ वो, और बड़ी जोर से इंजेक्शन लगाता है ना करके, वो तो डॉक्टर बनेगा इंशाल्लाह. डॉक्टर सेट में इसको एक्सपोजर ही देंगे. जहाज क्या करोगे, उड़ाओगे बनाओगे क्या करोगे? जी सो मेरा स्पेसिफिकली मेरा मेजर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है.
And the reason I chose that is because when I got into Purdue, Purdue is known for its engineering. I think Buzz Aldrin as well. I'm not fully sure. He's also who Apollo 11 program it. So it's very diverse and very renowned. Hey, beta, ek aur baat batao. Ek second, aap kaan band kare. Meri girlfriend bani? Mujhe bata do. I don't mind. Shabash. Complicated hai, lekin. Complicated means ko pasand aayi hai tumhe, hai? Kahan ki beta? Pakistani hai na? बेटा मेरी बात सुनो। हाँ नहीं, मुझे गोरी बहू नहीं चाहिए। मैं बता रही हूँ, मैं जाऊंगी तुम्हारे घर, मुझे ना चाय पूछेगी। बेटा मुझे गोरी बहू नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। काम के बारे में बताएं, आप काम कर रहे हैं? जी मैं यूनिवर्सिटी में रिक्रिएशन सेंटर में काम करता हूँ। मेरा अभी एक पोजीशन है जो है स्टूडेंट मैनेजर हूँ मैं। आल्सो सीपीआर एंड फिटनेस सर्टिफाइड हूँ मैं। तो मैं वहाँ स्टूडेंट मैनेजर हूँ और इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स मैं वहाँ फिजिकल ट्रेनर भी हूँ, नाज़िम सर्टिफाइड। और हानी की एक और अचीवमेंट मैं आपको बताऊँ, हानी को जिम ट्रेनिंग का बहुत पता है क्योंकि इसने खुद एक टारगेट अचीव किया। हानी तुम्हारा क्या वेट था और तुमने कितना लॉस किया? वो मैं बताता हूँ। बताओ बताओ। 15-16 के थे तो उस वक्त हानी का वेट जब हमने विजिट किया यूएसए, इट वॉज 129 kgs। 129 kg था हानी का वेट। और मैं अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, हम दिखा रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं, अल्लाह इतना क्यूटनेस अपनी जगह, लेकिन दैट्स अ लॉट ऑफ वेट। वो बेबी फैट था हानी की। माशाल्लाह हाइट इज अराउंड 6'2", तो 6'2" हाइट है बच्चे की, माशाल्लाह हमारी ये चेक करें। फिर हानी ने अपने से एक फैसला किया और खुद से, इस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि खुद से हानी ने अपने पे काम करना शुरू किया और हेल्दी वे में अपनी इसने डाइट कंट्रोल की। इस बच्चे का सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो है एटीट्यूड, जो ये सोच लेता है फिर वही करता है। दिस ईयर प्रूव्ड कि इसने सोचा एंड फ्रॉम अबाउट आई रिमेंबर फ्रॉम 129 kgs विद इन फ्यू मंथ्स ही केम टू 80 kg। हाँ नहीं, अगली वीडियो में बेटा तुम ये बता, पूरी वीडियो बनाओगे अपनी खुद से, स्टाइल पे हम शेयर करेंगे, क्योंकि हम लड़कियों का तो बहुत शेयर करते हैं, आपका शेयर करेंगे, फिर ये कि मैं क्वेश्चन भेजूंगी तुम वो बना, नहीं आप भी बताएंगे, हानी खुद बताए, हानी को बताएगा। और इसमें हानी एक्सरसाइजेस भी बताना बेटा, कौन सी एक्सरसाइजेस हम करें, ये मुझे तो बताने देना, बाजू का फैट, पेट का फैट, थाइस का फैट। अच्छी बात ये कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से इसने अपने आप को कंट्रोल किया, जंक इसने बंद किए, कॉफी इसने पीना शुरू कर दी, उसके बाद इसको खाना दे ना दे लेकिन जिम जाने। तो अभी मुझे तो हानि खाने पीने का मसला तो नहीं होता यूएस में? नहीं, मैंने अडैप्ट कर दिया था जो यहाँ का खाने पीने का मसला है। क्या खाते हो? मैं ज्यादा फिटनेस वाइज खा रहा हूँ, अ लॉट ऑफ ग्रीन्स एंड प्रोटीन्स खा रहा हूँ मैं, एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ कार्ब्स, सो बिकॉज़ मुझे एनर्जी भी चाहिए ऑन टॉप ऑफ वर्किंग आउट अ लॉट, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ। वेरी नाइस। तो बेटा जो तुम पैसे कमाते हो वो फिर तुम क्या करते हो उनका? सब इसने की हानी ने वहाँ, तो हानी घर याद आता है, बाबा याद आते हैं, मैं याद आती हूँ, मुफी याद आता है, कीनू अजान अली से। पहले फ्रेशमैन ईयर में, फर्स्ट ईयर में मुझे सब याद आ रहे थे बहुत, कि मैं ऑल्दो न्यू नहीं था, न्यू नहीं था लेकिन फिर भी, मतलब यूएस में मैं न्यू नहीं था लेकिन फिर भी मैं मिस कर रहा था सब कुछ, स्पेशली मेरा स्कूल और अलैन। बच्चा बिगड़ गया। अच्छा फिर मुफी को मिस कर रहा है। अच्छा हानी, बाबा के बारे में कोई अच्छी सी दो बातें बताओ और बुरी सी दो बातें बताओ, उनके प्लस जो आते हैं और जो दो बुरी आते हैं बाबा की। अच्छी पहले बोलूं या बुरी? पहले बुरी और बैड। पहले गुड वाली फिर बैड। नहीं पहले बैड। चलो पहले बैड बता दो, बेटर है। बाबा कभी कभार, मतलब बाबा डेडिकेटेड बहुत होते हैं लेकिन बाबा का कभी कभार पास्ट टू डेडिकेशन इज नॉट
द बेस्ट क्योंकि बाबा ट्राइज सो हार्ड टू अचीव इट व्हिच इज गुड वो अच्छी चीज है लेकिन कभी कभार बाबा बहुत ज्यादा मैं अपनी हेल्थ के बारे में ना एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल सही और बाबा करते रात को बर्गर खा रहे होते हैं हाँ बाबा नहीं ऐसी उसकी बात है अच्छा एक हो गया पॉइंट कोई बात नहीं दूसरा बताओ बाबा स्ट्रिक्ट बहुत थे लेकिन अभी नाउ रियलाइज करता हूँ तो वो इतनी बुरी चीज नहीं थी हाई स्कूल में तो मुझे बहुत बुरी लगती थी क्योंकि मुझे तो बस बच्चा होना था एंड आई जस्ट वांटेड टू मेस इट अराउंड बट इट वाज अ गुड फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्टनेस अच्छा और से अच्छी गुड बातें बाबा की दो कौन सी हैं नंबर वन ये कि बाबा केयरिंग बहुत है ऑल्दो कभी कभार केयरिंग बाबा गुस्से से केयर करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द इंटेंशन इज कि बाबा केयर बहुत करते हैं और नंबर टू के बाबा डेडिकेटेड बहुत होते हैं एंड ये इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग सो इट्स नॉट स्पेसिफिक बाबा डेडिकेटेड अगर मेरे बारे में डेडिकेटेड हो या फिर इवन गाड़ी चलाने के बारे में डेडिकेटेड हो सो लाइक डेडिकेटेड इन एवरीथिंग जो बाबा करना चाहते हैं मेरी जब बाबा से शादी हुई बाबा में क्या चेंज आया कोई आपने नोटिस किया उसके खैर फौरन बाद ध्यान ही चला गया था यूएस विद इन फ्यू डेज तो लेकिन अब माशाल्लाह एक डेढ़ साल हो गया उन्हें डेढ़ साल तो नहीं एक साल सम मंथ्स क्या बाबा में चेंज आया बाबा बहुत जॉयफुल हो गए हैं जॉयफुल हो गया माशाल्लाह मतलब अच्छा, खुश हैं बाबा ये आप कहना चाह रहे हैं मेरी खुद उर्दू की कीना अच्छा हानी आपको ऐसे कितनी लैंग्वेजेस आती हैं और उन लैंग्वेजेस का आपको वहां जाकर फायदा हुआ कुछ कितनी लैंग्वेजेस आती हैं चाइनीज आती बेटा Languages? Uh-huh. Languages I've spoke is English, Arabic, French, Urdu and Pashto. Yeah, Arabic बहुत अच्छी बोलता है, Pashto बहुत अच्छी बोलता है, Urdu, English. बेटा एक चीज का ख्याल रखना कि शादी पाकिस्तानी लड़की से होती है ठीक है ना टेक योर टाइम आराम से क्योंकि फिर बहुत सारे मसले बाद में होते हैं पाकिस्तानी लड़कियों के जो मसले पहले हो जाएंगे लेकिन अगर कोई नॉन पाकिस्तानी होगी तो मसले बाद में होते हैं शुरू में बहुत स्वीट लगती हैं वो लेकिन बेटा भेजो ताकि हम सबको दिखाएं आप स्टाइल के आपका कितना खूबसूरत कैंपस है यूनिवर्सिटी है ठीक है ना और बेटा अच्छी तरह पढ़ो मस्ती भी करो एंजॉय भी करो डोंट स्टडी टू मच रेस्ट भी लेना अभी भी पढ़ेगा उसके बाद जो मर्जी है तुम्हारा मेरे ख्याल है बर्थडे गिफ्ट हम एडवांस में भेज दें ताकि तुम फोन ले लो लेकिन ये बर्थडे का गिफ्ट होगा इन एडवांस ठीक है मैं बेटे से बात करूंगी ठीक है ना बेटा बिटवीन यू एंड मी ठीक है ताकि अपना फोन ले लो फोन टूटा हुआ फोन नहीं होना चाहिए और बेटा दूसरे वाले को सेल जरूर कर देना सेलेक्ट चलो बेटा तुम पढ़ाई करो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और कह दो जाते जाते व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब बस जाते जाते कह दो सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू नो द फॉलोअर्स माशाल्लाह जो आउटस्टाइल देखते हैं और आपका ऑनेस्टली रेगुलर हानि तुम्हारा पूछते हैं हानि कर हानि मतलब मिस्ट्री उनको लगता है शायद हम तुम्हें लाते नहीं हाँ ये प्लीज क्लियर करो लोगों को लगता है कि जैसे हम आपको चैनल पे ला नहीं रहे क्योंकि अलीजे अजान तो इधर ही होते हैं तो और अलीजे गई है तो अब बड़ा मुश्किल हो गया वैसे अलीजे से बात करना वीडियोज निकलवाना लेकिन ये कि आपसे डेढ़ साल बाद एक साल बाद बात हो रही है तो व्हाई वर यू नॉट ऑन आउट स्टाइल थोड़ा सा लोगों को बताओ ऑनेस्टली मैं इमीडिएटली चले गया था एज आई सेड बिफोर शादी के बाद एंड इट्स वेरी हार्ड वन वीक मैं चले गया इट्स वेरी हार्ड टू नंबर वन सिंक्रोनाइज टाइम लाइक फॉर एग्जांपल माँ बाप के टाइम अभी 10 बज होंगे सुबह के 11 मेरे यहाँ मिडनाइट हो इट्स लाइक 12 AM राइट नाउ And it's very hard also because I either have a lot of exams or a lot of work and it's very hard if I'm it's just bahut mushkil hota hai normal time mein sab kuch schedule karne ke liye but luckily although mere kal do exams hain lekin phir bhi maine prepare kar diya tha mera abhi jaldi se main karne aur ab kuch hani settle ho gaya hani outside pe nazar aata rahega inshallah right indeed And subscribe to Outstyle. I hope आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी बेटा जाते जाते इनको बता दो Outstyle को सब्सक्राइब करना जी, I hope आप सब सब्सक्राइब करें Outstyle को and have a great day. अच्छा, एक और बात तो कभी बाबा को याद किया रो के इन डेढ़ सालों में बाबा को मिस किया याद किया रोए जी रोए शाबाश अलीज़े एक दफा नहीं रोए अभी तक मैं वेट ही कर रही हूँ अभी तो नहीं आ रहा अभी समझ नहीं आ रहा है लेकिन वो फिर आ रही है तो इसलिए मेरे ख्याल शायद हाफिज़ टेक केयर एंड बाय 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 करना बाय बाय हनी हनी का नीनू टाइम हो गया है ये हमारे दिन का टाइम है
Okay, what are we doing on a Sunday? Kinu, no school today? What are you doing? Oh my god, Kinu is playing with his toys and water. Wow. You're cleaning, washing your toys. Very good. So this is Kinu playing with his toys. Where is Baba? Where is Baba, Kinu? अच्छा मजे की बात ये कि बाबा भी अपने टॉय से खेल रहे हैं लेकिन बाबा के टॉयज थोड़े मुख्तलिफ हैं. कीनू की टॉयज में हैं यहाँ एनिमल्स, वाटर टेबल और बाबा के टॉयज आपको दिखाते हैं अभी. बाबा भी अपने टॉयज से खेल रहे हैं और ये हैं बाबा के टॉयज. बाबा के टॉयज में हैं शू यानी कि जूताज और ये भी जूताज और साथ में पॉलिश. आपको मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ. एक गाना मैं गाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप उसको कंप्लीट करें. मेरी तरफ देखिए, रेडी? बहुत प्यार से दिल से गा रही हूँ. गाओ. 1 2 3. प्यारे बच्चों, कीवी क्या है? बीबी ए दरिंदा है. क्या तुमने इसको खाते देखा है? और कहाँ वो रहता है? सबसे अच्छे पॉलिश की डिबिया में कीवी रहता है. क्या आपने आपने कीवी को बीवी बना दिया? ये देखो क्या निद्रा. और ये हफ्ते में 7 दिन स्पाइडरमैन ड्यूटी पे रहते हैं. कीनू दिखा बेबी, शो मी योर स्पाइडरमैन क्लोथ्स. शो मी. शो मी. इधर से सामने से. किनू तो नहाने लग गए बेटा. आए हाय, टिश्यू लेके. और जब ऐसे काम करने हो तो रबड़ के जूते क्रॉक्स आर द बेस्ट. शावर में बच्चे को कभी भी बाथरूम में बगैर अच्छे प्रॉपर शूज के, स्पेशली क्रॉक्स आई वुड रिकमेंड, उसके बगैर बाथरूम में इनको शावर भी नहीं लेना चाहिए. बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और ये शावर के जो ये जो बाथरूम में शीशे होते हैं उससे तो बहुत ही टकरे लगती हैं और चोटें लग सकती हैं. सो मेक श्योर किड्स आर ऑलवेज वेयरिंग शूज जब भी कोई वाटर एक्टिविटी हो. किनु कमा कमा ये आए हाय. ओके बाबा, वेरी गुड. ये कर क्या रहे हैं आप? कौन सी पॉलिश है? घंटे से लगे हुए हो आप. वैक्स वाटर पॉलिश होती है, ये की जाती है. आपको नहीं पता, ये आप लोगों के काम में. अच्छा इससे क्या होता है? इससे होता है कि जी ऐसे दांत होने चाहिए कि इधर नी करके तो में नजर आए. ऐसे दांत हो, ऐसे जूते हो, ऐसे दांत होने चाहिए. बाबा बाबा व्हाट्सएप कह रहा है. व्हाट्सएप किनू किनू गो. ओके प्ले विद योर टॉयज. ओके नाउ टेल मी, यू हैव टू टेल मी कौन सा टॉय है. ओके किनू का चैलेंज है कि ये टॉयज निकालेगा और बताएगा कि ये क्या है. किनू आर यू रेडी? दिस इज जीतो बेबी कॉन्टेस्ट. बम्बलबी. वाओ बम्बलबी गोज हियर. व्हाट इज दिस? मले बड़े कैन. ओके व्हाट इज दिस? लायन. लायन. ओके दिस गोज इन द वाटर. वाओ बच्चू पे मत रखना बेटा. What is this? Crab. Crab. Shabash. Okay, Kian, what is this? Giraffe. Very good. And they're all getting a shower today. Wow, clean up. बहुत ज़रूरी है बच्चे अपने टॉयज को साफ करें, क्लीन करें. आज हमने किनू को बिजी रखने के लिए ये एक नई गेम दरियाफ्त की है. ओह कुछ घरों में डांट के मार के एक्टिविटी कराई जाती है. हम यहाँ देखिए कितने प्यार से बच्चे से सफाई करा रहे हैं. इसके बाद आपसे इनसे बाथरूम भी साफ कराएंगे, गाड़ी भी साफ करेंगे, धुलवाएंगे. ऐसे ही शौक पैदा होता है ना फैसल. आपको ऐसे ही शौक हुआ था ना. Look at me. Smile. I love you. बच्चा रेडी है, ब्लॉगर है, ब्लॉगर है. बच्चा फुल ब्लॉगर है. ओह
एनिमल है, टेक आउट एनिमल, लुक एट मी, ये क्या किया अपना हाल, इधर देखो। और ये धूप में ही एक्टिविटी हो सकती है ताकि बच्चे को सर्दी ना लगे। गीला, गीला। कराची में बहुत गर्मी है आज, बाबा गीला हो गया, बहुत ज्यादा गीला हो गया। बाबा ये उतारते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो? बड़ी बातें सुनने को बड़ी अच्छी लगती है। सब अप्रिशिएट करते हैं आपको ऐसे क्या देख के, कि देखें कितने माशाल्लाह मेहनती हैं। हर चीज का काम आना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और कोई काम छोटा नहीं होता, देखें यहाँ भी काम चल रहा है और वहाँ भी काम चल रहा है।